अगर आपने इस लिंक पे क्लिक किया है तो आप डेफिनेटली इन सबको जानते हैं। गॉड लाइक। वी आर गॉड लाइक। कौन नहीं जानता है गॉड लाइक को। गॉड लाइक आपके लिए क्या है? फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑब्वियसली। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्ग है जो प्लेयर्स के लिए सोचती है। घर के आदमी आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी सब घर जैसे ही है, पूरा माहौल घर जैसा है। आप अपने पिछले बूट कैंप के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो? वो जगह छोटी थी तो सब लोग मिलके जो हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, मस्ती मचा करते थे, वो यहाँ पे होती नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है। वो 4 BHK था और उसमें कम से कम 30-35 लोग रहते थे। ढूंढना नहीं पड़ता था किसी को भी, ढूंढना है तो इजीली अवेलेबल था। किसी को बुलाना है तो आवाज देते। इधर ऐसे हाइड एंड सीक वाला होता है, किसी को ढूंढना है तो मतलब कोई कभी मिलता नहीं तो मैं तो कभी कभी CCTV में देखता हूँ उनको, ये कहाँ पे है, तो उधर जाके फिर इंटरनेट जो BT देता था, इंटरनेट वो वाले, बहुत सारी मेहनत और BT ये सब था तो वो मिस करता हूँ। ओके, तो वहाँ पे ऐसा था, एक छोटा सा एरिया था तो वहाँ पे सारे प्लेयर्स हम एक साथ बैठ के पूरा लाइक डिनर वगैरह हो गया, लंच हो गया एंड मस्ती मजाक बहुत ज़्यादा होता था, वो थोड़ा मिस होता है। उसमें अभी बहुत सारे इमोशंस जुड़ गए थे, बहुत सारे LAN जीते, टूर्नामेंट्स जीते, सो वो अलग ही लाइक वो एनवायरनमेंट बन गया था वो फ्लैट के अंदर, सो आई रियली मिस दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मिस करते हैं हम पिछले बूट कैंप, क्योंकि हम हमेशा अपग्रेड करते हैं ना, तो पिछले में जो खामियां थी तो वो यहाँ पे हमने पूरी कर दी है। कोई ऐसी चीज़ पिछले बूट कैंप के बारे में जो आपको पसंद नहीं थी? वो इंटरनेट। ऑनगोइंग टूर्नामेंट चल रहे, मतलब वर्ल्ड लीग चल रहा है और हम लोग का नेट ही नहीं चल रहा है, 200 पिंग आ रहे हैं, 300 पिंग आ रहे हैं। इट वॉज नॉट कन्वीनियंट इनफ फॉर अस टू गो टू एनी जनरल स्टोर और हमको Uber या ओला ऐसा कुछ करना पड़ता था वहाँ पर। गंदा तो कुछ था ही नहीं क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बूट कैंप का, तो मेरे लिए तो कुछ नया ही था, तो मेरे को तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लगा, बट जब नए पे आए तो ऐसा लगा कि भाई पुराने में ये मिसिंग था। अगर आपको मौका मिले एक मेमोरी रिलिव करने का पिछले बूट कैंप से तो वो क्या होगी? दिवाली, पुरानी दिवाली पे जो वो बूट कैंप को सजाया था, वहाँ पे जो माहौल था, पूजा हुई थी, क्रॉन्टन भाई की फैमिली सब लोग थे वहाँ पे, और जो खाना बना था और जो मस्ती कर रही थी हमने। जब हम लोग फॉरेन जा रहे थे, सारे प्लेयर्स जा रहे थे, तब इंडिया का फ्लैग जब निकला था रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ, वो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था। जब हम लोग ज्वाइन किए थे एंड वी वॉन द वेरी फर्स्ट BGMI का बड़ा इवेंट होस्टेड बाई स्काई स्पोर्ट्स, सो वो बहुत ही स्पेशल था कि यू नो फर्स्ट टूर्नामेंट भी खेल रहे BGMI का एंड वही जीत गए, तो वो याद रहेगा हमेशा से। सो देयर्स दिस डॉग वी हैव, ही इज कॉल्ड मैक्स, ही इज गोल्डन रिट्रीवर, तो उसका जो पहला दिन था ना वो वापस चाहिए, दैट वाज स्पेशल, क्योंकि मैं जस्ट बूट कैंप एंटर किया था उसके 3 दिन बाद मैक्स आया था। आप लोगों के मुंबई शिफ्ट होने का प्राइमरी रीजन क्या था? फर्स्ट थिंग तो थी स्पेस, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड कर रहे थे, मतलब अभी गॉड लाइक में 4 टीम है, अभी हम ग्लोबली भी एक्सपांड करने का प्लान है। मुंबई एक गेमिंग हब है और हम गॉड लाइक को एक्सपांड कर सकते हैं। जितनी भी गेमिंग से रिलेटेड कंपनी है वो मुंबई में उनके ऑफिसेस है, तो हमने सोचा कि मार्केट से क्लोज रहेंगे तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कुछ बड़ा सोच रहा था क्रॉन्टन करने के लिए, लाइक फॉर गॉड लाइक He wanted to do something great and big thing. क्या आपको अपने पिछले बूट कैंप से कोई बहुत ही फनी इंसिडेंट याद है? एक बार मैंने सबसे पहले जब मैं NTT के बूट कैंप में था ना, तो वो टाइम पे मैंने, मुझे जितना याद है, मैंने नियो को किक मारा था, तो उसके बाद जब मैंने मारा था तो सब लोग मुझे बोलते कि घातक अब मार, इसको भी मार, तो मतलब नियो अभी फॉर एग्जाम्पल क्लच गॉड का बर्थडे, तो बोलेगा देख मुझे मारा था अभी तू इसे मारेगा, तो बेसिकली सीन ऐसा है कि वो खुद नहीं मारना चाहते क्योंकि वो बैकफायर होता है ये चीज़ उन पे, तो वो बोलते कि तू मार तुझे बैकफायर नहीं करेगा कोई। प्रैंक्स तो नहीं है बट जॉनी सोया रहता है और जब उसके मैचेस रहते हैं तो तब तक सोया रहता है, मैच में इंटर हो जाता है सभी लोग फिर भी सोया रहता है, फिर उसको घातक जाता है, उठाता है कंधे पे ले जाके बैठालता है ऐसा, तो उसी नींद में जाता है वो, फिर भी MVP बन जाता है, वो पार्ट बहुत मजेदार होता है देखने में। शांतनु को वो लोग बेचारे को बहुत ज्यादा तंग करते रहते, तू खाना लेके आना प्लीज हेल्प कर, मेरा ब्रश किधर है, छोटी छोटी चीज के लिए उसको तंग करते बैठेंगे, तो हम लोग हंस के खुल के जीने वालों में से हम लोग। फन इंसिडेंट तो बहुत ज्यादा हुआ है जो
ऑन कैमरा तो बताना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि धूम 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 चलता था। ये धूम 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 रखने का है ब्रो। अपने पिछले बूट कैंप को अलविदा करके आपको कैसा लगा? आई थिंक अराउंड जैन एंड में मैंने वो प्लेस लीव किया दिस ईयर। कुछ भी चीज़ों को देखता था मुझे उससे कनेक्टेड सब चीज़ें याद आती थी। ओके मैं यहाँ पर बैठता था, यहाँ पर बैठ के फ़ोन पे बातें करता था घंटों तक, किचन हॉल कुछ भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें, इवन द फ्लावर पॉट मुझे याद आती थी, द पियानो सेट वो भी याद आता था कि हम लोग ने उस पर पियानो बजाते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आपको छोड़ के जा रही है तो कैसा लगता है? तो वही चीज़ वो बूट कैंप के साथ जुड़ी हुई थी, लाइक लॉट्स ऑफ इमोशंस वो बूट कैंप के साथ। सो बट अभी क्या कर सकते हैं। मैं हूं आपका क्रोंटन और आज हम फाइनली हमारे जो गॉडलाइक का बूट कैंप है उसको रिवील करने वाले हैं। जो हमारे ईस्पोर्ट्स प्लेयर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है और जो भी हमारी मैनेजमेंट टीम है उनको हमने क्या क्या फैसिलिटीज दी है गॉडलाइक बूट कैंप पे, तो स्टेप बाय स्टेप हम वो सारी चीजें रिवील करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस पार्किंग से। यहाँ पे हमारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स ईस्पोर्ट्स प्लेयर्स है उनके लिए कार पार्किंग भी है एंड देन हम चलते हैं गाइस जिम की ओर। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है तो मॉर्निंग में यहाँ पे सारे प्लेयर्स जिम कर रहे हैं। ये जिम में जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हैं इसके बारे में मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं है, तो हमारे जो जिम ट्रेनर है वही आपको सारा इस इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे और इस जिम के बारे में बताएंगे। ये है गाइस दिगंबर दादा, हम इनको कहते हैं, ये आपको बताएंगे पूरे जिम के बारे में। जिम में बेसिक हमारे पास हर प्रकार की इक्विपमेंट है। यहाँ पर लेग प्रेस है, यहाँ पर मल्टीपल मशीन है, मतलब उसमें लेग प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो पुलअप्स मार रहे हैं पुलअप्स कर सकते हैं, ट्राइसेप बाइसेप हर प्रकार के इक्विपमेंट है। सब लोग कहते हैं कि यार स्पोर्ट्स प्लेयर फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन क्रॉन्टन भाई बोला कि हम लोग पहले फिटनेस पे ध्यान देंगे बाद में गेम पे फोकस करेंगे। सो पहले हम फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जब भी बच्चे को टाइम मिलता है हर बंदा आके यहाँ पर वर्कआउट करता है और मैचेस होंगे टूर्नामेंट होंगे तब लोग जाके ऊपर कुछ मेडिटेशन करते हैं योगा करते हैं, मतलब पहले फिटनेस पे ध्यान देंगे तब कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा। तो जैसे ही हम लॉबी से एंटर करते हैं तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है गाइज लिफ्ट, और पीछे वाला जो रूम है आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा सर्वर रूम एंड सिक्योरिटी रूम। एंड गाइज ये जो आपके पीछे जो वॉल है उसके ऊपर हमने जो ग्राफिटी बनाई है तो देख सकते हो दिल से गॉडलाइक। एज यू नो ये हमारा हैशटैग है दिल से गॉडलाइक। जैसे ही सारे प्लेयर्स अंदर आते हैं तो सबसे फर्स्ट जिम के बाद लॉबी से जैसे एंटर करते हैं तो दिल से गॉडलाइक पढ़ के बूट कैंप में चले जाते हैं, ताकि उनको एक ऐसा गेमिंग के रिलेटेड ऐसा मन में रहे कि यार गॉडलाइक को हमें रिप्रेजेंट करना है, अच्छे से गेम खेलना है। तो जैसे जैसे हम बूट कैंप में कंटेंट हाउस की ओर बढ़ रहे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी ग्राफिटी हमने बनाई वॉल के ऊपर। ये हमारी कंटेंट हाउस जो है उसकी लॉबी है और यहाँ पर भी गाइस लिफ्ट है। एंड जैसे हम हमारे कंटेंट हाउस में एंटर करते हैं तो गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ह्यूज स्पेस है जहाँ पे हम लैन करेंगे या फिर अलग अलग कंटेंट बनाएंगे, जैसे हमारे प्लेयर्स का शूट हो या फिर कोई ब्रांड इंटीग्रेशन हो या काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं। आप स्पेस देख सकते हो। तो ये जो कंटेंट हाउस है गाइस यहाँ पे हमने पूरा एयर कंडीशन करके रखा हुआ है ये सारा एरिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिटिंग एरिया है। तो अभी हम चलते हैं बूट कैंप के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं हमारे गुरु भाई। तो हे गाइस हम हमारे कंटेंट हाउस की यहाँ से हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर
दबा दिया है। और गाइस ये जो हमारी लिफ्ट है ये आपको कैसे लगी बताना। इसको भी हमने नाम दिया है गोल्डन लिफ्ट। यहाँ ऊपर आरजीबी लाइट्स है वो भी आप देख पा रहे होंगे, रिफ्लेक्शन आपको आ रहा होगा। ये हमारा क्रू गाइस जो हमें बूट कैंप रिवील में हेल्प कर रहे हैं, शूटिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर आपको जो है पूरा हम बताने वाले हैं कि क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है हमारे गेमिंग हाउस में, हमारे बूट कैंप में गॉड लाइक ई-स्पोर्ट्स के। तो यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे गुरु भाई व्लॉग शूट कर रहे हैं। जब देखो कैमरा लेके पूरा बूट कैंप में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन अभी तक रिवील नहीं हुआ है तो बेचारा कॉन्टेंट नहीं डाल पा रहा है। जैसे रिवील हो जाएगा गुरु के चैनल पर काफ़ी सारा कॉन्टेंट आने वाला है। तो गाइस मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसके बारे में आपको गुरु बेटर बता सकता है क्योंकि वो हमेशा यहीं पर रहता है। तो गुरु भाई आप जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसको कंटिन्यू करो। डन, अब मैं लेके चलता हूँ तुम लोगों को। सो गाइज आ जाओ, तुम लोग को हम क्रॉन्टन्स डेन दिखाते हैं जहाँ क्रॉन्टन एंड अमर स्ट्रीम करते हैं। ये देखो कितना मस्त है, जहाँ वर्टिकल मॉनिटर लगा है, एक हॉरिजॉन्टल मॉनिटर लगा है, सीपीयू है विथ सो गुड स्पेक्स। एंड गाइज एक बार तुम लोग देखो कैमरा कितना खतरनाक लगा हुआ है, माइक कितना मस्त है, हेडफोन एंड एवरीथिंग तबाही एकदम सुपर्ब। एंड गाइज ये सेटअप ना पूरे बूट कैंप में सारे पीसी का है, सीरियसली सारे पीसी का है। और इधर देखो थोड़ा सोफा है जिसपे विजिटर्स आके बैठ सकते हैं, इधर बिन बैग है एंड द मेन थिंग दिल से गॉड लाइक का लोगो। सीरियसली ये ना सबसे रिलेटेबल है। सो गाइज आ जाओ तुम लोग को बहुत अच्छा अच्छा दो ग्राफिटीज दिखाता हूँ। पहला ग्राफिटी है जेट का, जो भी वैलोरेंट खेलता होगा सभी को पता होगा इस कैरेक्टर के बारे में, सभी का फेवरेट है, सभी का फेवरेट। एंड ये है दूसरा कैरेक्टर। ये कौन सा कैरेक्टर है भाई, अभी रुकना, ये कौन सा कैरेक्टर है? ये कोबरा बंडल है। ओके चल निकल। सो गाइज ये कोबरा बंडल है और मैं तुम लोग को बाकी का सारा रूम्स दिखाता हूँ, ठीक है? चलो सो गाइज ये है सीओडीएम का स्ट्रीमिंग डेन जहाँ सारे सीओडीएम प्लेयर स्ट्रीम करते हैं, जैसे अभी ट्रंक्स स्ट्रीम कर रहा है, बर्न स्ट्रीम कर रहा है और इधर न्यूट्रिनो स्ट्रीम कर रहा है। और तुम लोग ये भी देख सकते हो सीओडीएम का मर्चेंडाइज रखा हुआ है और यहाँ गॉड लाइक का बड़ा सा लोगो और ये पूरा का पूरा सीओडीएम का आर्ट वर्क बना हुआ है। एंड लास्टली ये है बाथरूम जो हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। भाई गाइज चलते हैं दूसरे रूम में। सो गाइज ये कंटेंट क्रिएटर्स का बेडरूम, आओ तुम लोगों को दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारा बंक बेड्स है, खूब सारा कबर्ड्स है, क्रिएटर्स सारे के सारे इधर ही सोते हैं और थोड़े इधर भी सोते हैं। ये है कंटेंट क्रिएटर्स का सेकंड बेडरूम और ये है कंटेंट क्रिएटर्स का स्ट्रीमिंग रूम। आ जाओ दिखाते हैं तुम लोग को, कैबिन बहुत सारे हैं। पहला कैबिन जहाँ क्रो बैठा हुआ है और हर रूम में ना गॉड लाइक का लोगो भी लगा हुआ है बहुत बड़ा सा। आ जाओ तुम लोग को दूसरा कैबिन दिखाते हैं। दूसरा कैबिन में लोल्स बैठा हुआ है और स्ट्रीम कर रहा है। ओके 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 ठीक 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 है, भगा ही दिया गया। और फिर इधर स्पाइक बैठा हुआ है। ओके भाई रैंक पुश चल रहा है भाई। गाइस ये देखो हैशटैग #1 पे बैठा हुआ है, सीरियसली ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये देखो खूबसूरत सा गॉड लाइक का लोगो, तगड़ा वाला। यहाँ से ना बहुत ज़्यादा अगर मेरा रूम खुलेगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। और ये है सीओडीएम का बेडरूम, सेम हमारे रूम जैसा है, सेम टू सेम। सो चलो अब हम लोग एक्सपेंशन रूम देखते हैं जल्दी से। क्या भाई भाई यार क्या हो रहा है आज। सो गाइज ये एक्सपेंशन रूम, यार कुछ तो भी एक्सपेंशन चल रहा है, आ जाओ देखते हैं। ओहो यहाँ हैवान भाई वैलोरेंट खेल रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। और ये नहीं दिखाना था भाई, ये नहीं दिखाना था। चलो गाइज। सो गाइज फर्स्ट फ्लोर का तो मैंने तुम्हें सारा चीज़ दिखा दिया, बस एक चीज़ बाकी रह गया था, वो था फ्री फायर का बेडरूम। और यहाँ पे जैसा तुम लोग देख सकते हो गॉड लाइक का एक बहुत बड़ा सा लोगो है। एंड अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे एक ग्राफिटी है जिसमें सीओडीएम का कैरेक्टर बना हुआ है, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा सा दिख रहा है। और यहाँ पर एक और ग्राफिटी है जिसमें गॉड लाइक का सबसे फेमस पैन करना है, भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। एंड फर्स्ट फ्लोर का मैंने तुम्हें सारा चीज़ दिखा दिया, सेकेंड फ्लोर का तुम्हें नियो दिखाएगा। मैं जर्सी चेंज कर गया। ओके डन। सो व्हाट्स अप गाइस,
आपको जैसे पता है कि गुरु भाई ने सेकंड फ्लोर पूरा मुझे अभी सौंप दिया है बताने के लिए कि कैसे ये फ्लोर पे सब कुछ है। तो राइट साइड पे आप लोग देख सकते हो कि जोनाथन का फॉरेस्ट हेल्प सेट का ग्रफिटी बना है एंड लेफ्ट एंड राइट वॉल पे पूरा वही है क्योंकि ये BGMI का फ्लोर है। तो अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट जोनाथन के स्ट्रीमिंग रूम में जहाँ पे वो अभी स्ट्रीम कर रहा रहेगा। भाई साहब ये तो सोया पड़ा है, ओए उठ जा, बाहर जा भाई, बाहर जा, उठ जा उठ जा, कितना सोता है तू। सो जैसे आप लोग देख सकते हो गाइस ये जोनाथन का सेटअप है, ड्यूअल मॉनिटर सेटअप किया उसने विद DSLR और ये उसके ट्रॉफीज है जैसे आप लोग को पता है उसको जितना पसंद है। ये गॉडेल का लोगो और ये पूरा उसने अपने हिसाब से सेटअप किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी ऐड ऑन करना बाकी है आप लोग को पता है, तो जोनाथन अपने हिसाब से कर लेगा वो। अभी डायरेक्ट हम लोग जाएंगे हम लोग के रूम में जहाँ पे हम लोग सोते हैं, जहाँ पे हम लोग ग्राइंड करते हैं और आप लोग को पता है अपनी टीम बहुत ज़्यादा ग्राइंड करती है, तो आ जाओ अपन देखते। भाई साहब वापिस एक बार जाके देखते, आ जाओ, कर रहे ग्राइंड कर रहे सब लोग। सो गाइज ये हम लोग का रूम है, यहाँ पे हम लोग सब लोग सोते हैं, ये हम लोग के मैप्स है जो हम लोग टूर्नामेंट के पहले यूज करते हैं स्टडी करने के लिए, तो यही बेसिक हम लोग का रूम है। अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट मेरे एंड शैडो के स्ट्रीमिंग रूम में जहाँ पे मेरा सेटअप है एंड शैडो का सेटअप है। तो वो रूम मैंने ज़्यादा कुछ इतना डेकोरेट नहीं किया है, आप लोग को मैं बताता हूँ वो रूम भी कैसा है। सो मैंने एकदम ये रूम को एकदम सिंपल रखा है गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हो बेसिक लाइट्स है और ये मेरा दो ड्यूअल मॉनिटर सेटअप विद DSLR और थोड़े बहुत से पोस्टर मैंने रखे जो कि मेरे को पसंद है, ज़्यादा कुछ ये नहीं फैंसी मेरे को पसंद नहीं है। अभी मैं आपको बाकी रूम्स दिखाऊंगा, हम लोग ने आपको तीन रूम दिखा दिए। तो अभी लेफ्ट साइड पे है ZGOD का स्ट्रीमिंग रूम, उसके बाजू में मैनेजमेंट का रूम जहाँ पे मैनेजमेंट वाले सोते हैं। सो गाइस ये है ZGOD का स्ट्रीमिंग रूम, ये ZGOD का पूरा स्ट्रीमिंग रूम है और ये मैनेजमेंट रूम है और यहाँ पे मैनेजमेंट पूरा मैनेज करती है हम लोग की BGMI के लाइनअप को जैसे आप लोग देख सकते हो और एक गेस्ट रूम हम लोग ने रखा है। सो यही है हम लोग का सेकंड फ्लोर पे, अभी घातक आएंगे और घातक आपको एक्सप्लेन करेंगे थर्ड फ्लोर पे क्या क्या है। सेकेंड फ्लोर के बारे में तो आपको नियो ने पूरा का पूरा बता दिया है, अपना मेन गोल जो है उसको देख के हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे गेमर्स पैराडाइज द गॉड लाइक अरेना में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और सबसे पहले ही आते ही आपको जो अपने लोंडे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिल करते हैं पुल पे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको अरे ये अपनी फीमेल्स की लाइनअप है और ये ग्रीम पाजी यहाँ पे क्या कर रहा है पाजी अल्फा ट्रायआउट चलेगा ओके, हमारे यहाँ पे भी चल रहे हैं ट्रायआउट्स। चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा फूजबॉल टेबल है और लॉर्ड्स भैया यहाँ पे चिल कर रहे हैं, मतलब चिलिंग एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे अपनी BGMI की टीम ग्राइंड करती है डेली, जितने भी मैचेस रहते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे ही, यहाँ पे एक TV लगा हुआ है जहाँ पे सारे जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गया वैलो हो गया या फिर किसी भी गेम्स के, तो यहाँ पे वो सारे मैचेस दिखाए जाते हैं एंड देन अपने सारे बाकी के सारी टीम्स यहाँ पे बैठ के वो एंजॉय करती है मैचेस। आगे बढ़ते ये अपनी 2-2.5 साल से अनडिफीटेड टीम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की जो हमेशा हर टूर्नामेंट जीतती है। और आपने एक चीज़ नोटिस की हुई कि हर रूम में आपको एक TV दिखेगा, जितने भी मैचेस होते हैं फॉर एग्जांपल इनके मैचेस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद जितना भी एक थोड़ा सा शॉर्ट टाइम मिलता है एक शॉर्ट एनालिसिस हो जाता है, मतलब कुछ गलतियाँ हुई है या फिर आपकी कुछ मतलब कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है तो वहाँ पे वो स्टडी कर लेते हैं। आगे बढ़ते यहाँ पे हमारे 2 धुरंधर बैठे मैनेजमेंट टीम के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई डोंट नो किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं बट कर रहे हैं। और अपने कंटेंट क्रिएटर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली फ्री फायर का बूथ है बट अभी आई डोंट नो ये क्या चल रहा है यहाँ पे बट ठीक है। और कैसा है गुरु? बढ़िया। हाँ और साल और आगे बढ़ते यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जितने भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐड की है, ट्रेंडी लाइट्स हो गए, ये ब्रिक वॉल्स हो गए, ये जगह को हम लोगों ने ऐसा बनाया कि मतलब कोई भी अपने मतलब जो ई स्पोर्ट्स एथलीट है उनको आके यहाँ पे परफॉर्म करने का मन करे, एक डेडिकेशन मिले, मोटिवेशन मिले और आके तोड़े बस यहाँ पे, तो बस यही है। और अभी हम लोग चलते हैं आगे अपने अमर भैया के पास। तो गाइस घातक ने आपको गॉडलाइक अरेना के बारे में बता ही दिया है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और एक फ्लोर के बारे में। तो गाइस जैसे ऊपर आते हैं हम आ रहे हैं अपने गॉडलाइक चिल कैफे में। तो
तो भाई चिल कैफे में आते ही हमको दिखता है एक टेबल टेनिस जिसपे न्यू प्लेयर्स कुछ न्यू भी गेम खेलेंगे और ऑब्वियसली टेबल टेनिस के बाद गाइज इधर हर जगह पे टेबल्स रखे फॉर डाइनिंग लंच ब्रेकफास्ट जो भी है कर सकते इधर सब बैठे अभी चिल कर रहे हैं और इधर गाइज प्रोजेक्टर लगा दिया है मूवीज देखते हैं हम उसमें पार्टीज वगैरह करते हैं कुछ सॉन्ग सुनते हैं मैचेस वगैरह होता है वो देखते हैं इधर ऑब्वियसली गर्ल्स बैठी है गाइज इधर आते एक सुंदर सुंदर सा व्यू दिखता है जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है बूट कैंप में इस साइड पर रखे गाइज मिस्ट फैन जो कि गर्मी में थोड़ा शॉवर जो नहाते नहीं है उनको होता है ना थोड़ा नीड उनके लिए रखा है लाइक लंगोटी और गाइज ये लास्ट वाला अपना इंडोर डाइनिंग एरिया ये एसी डाइनिंग एरिया क्योंकि बहुत गर्मी में थोड़ा एक चिल ए, उठ जा तो आप सभी ने अभी न्यू बूट कैंप देख ही लिया है आगे भी बहुत सारे प्लान्स एंड अपडेट्स है आपको टाइम पे मिल ही जाएंगे आज के लिए बस ओवर एंड आउट थक गया यार मैं वो कैमरा लेके जाओ आप पहले प्लीज आपको इस बूट कैंप के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है थर्ड फ्लोर बिकॉज यहाँ पे स्नूकर टेबल है इट्स अ बिग स्पेस एंड द लाइटिंग ऑल्सो इज वेरी ग्रेट एंड इंटीरियर भी बहुत अच्छा है इस रूम का आई लव दिस गेमिंग अरीना लाइक आई कैन लिव इट 24/7 आई कैन वेक अप हियर एंड आई कैन स्लीप इट हियर ओनली मेरे को गेमिंग एरिया ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहीं पर बैठ के गेमिंग एंड स्ट्रीम पे मैं अपना स्ट्रीम कर सकता हूँ अरीना रूम व्हेन आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक इट वॉज जस्ट डार्क एंड इट वॉज इंटेंशनली लाइक क्रॉन्टन वॉज लाइक जस्ट चलो चलो पहले अरीना रूम दिखा रहा लाइक लाइक जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड आया अंधेरा था एंड यू जस्ट टर्न ऑन द लाइट एंड से लाइन बाई लाइन इट स्टार्टेड इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग लाइक वाओ प्ले पूल प्ले सम चिल गेम्स यहाँ पर आप बस आओ चिल करो अपने फ्रेंड्स के साथ टीममेट्स के साथ या दूसरे BGMI, CODM, फ्री फायर ये लोग के साथ बातें करो पूल खेलो टेरेस एरिया विच हैज ओपन स्पेस क्योंकि ई स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग यू नो इट्स वेरी हेक्टिक एंड प्रेशर तो वहाँ जाके यू नो 10 मिनट भी निकालना ऐसा लगता है कि भाई सुकून है मतलब मेरे को टेबल टेनिस बहुत पसंद है प्लस जो खाना का एरिया है खाना खाने का एरिया वो बहुत पसंद है सब लोग जाके वहीं पर एवरी टाइम बैठे रहते हैं द जिम एरिया देख रहे हो ना जब आपने पहली बार ये नया मैंशन देखा तो आपका रिएक्शन क्या था जब मैं पहली बार बाहर से इसे देखा आई वाज लाइक ये अपना है मतलब आई वाज जस्ट शॉक्ड ये क्या ये अपन यहाँ पे रहने वाले हैं मैं बोला अबे ये क्या है इंडिया बेस्ट बूट कैंप जब मैंने पहली बार बूट कैंप देखा तो मुझे सबसे ज्यादा इसका व्यू अच्छा लगा एंड द लोकेशन And when I like got inside, and first thing I saw is the gym. I was like, best thing. एकदम से फेस बोला भाई ये कितना बड़ा है बहुत बड़ा था मतलब सोचा ही नहीं था इतना बड़ा होगा पहले सिर्फ सुन रहे थे कि इंडिया का सबसे बड़ा बूट कैंप इंडिया का सबसे बड़ा बूट कैंप देखा तो मज़ा आ गया मैंने ऐसा बूट कैंप आज तक नहीं देखा इंडिया में ओके देर आर बूट कैंप्स बट दे आर इन USA देर इन यूरोप एज अ बूट कैंप्स बट इंडिया में आई डोंट थिंक आज तक मैंने ऐसा बूट कैंप देखा है विद दीज ऑल दीज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड वाओ हालांकि ये मैंशन एक बहुत बड़ा अपग्रेड है पिछले बूट कैंप से पर यहाँ और क्या ऐड हो सकता है तो आपने एकदम खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया वो है स्विमिंग पूल आई लव स्विमिंग फ्री टाइम में अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि क्या करोगे आप तो मैं सीधा डुबकी मारूंगा वो होता तो चेरी ऑन द केक वाली फीलिंग होती अभी यहाँ पे थोड़ा या सोचना पड़ेगा ये क्या बोलूँ अच्छा बताओ ना ट्रॉफीज ऐड करने हैं नई टीम्स ऐड करनी है गर्ल्स के लिए टीम्स और ऐड करनी है आपकी फेवरेट ग्रेफिटी कौन सी है ओ जेट वाला वैलोरेंट का
जेट वाला जो एक ग्राफिटी बनाया ना, बहुत प्यारा है. मतलब मजा आ जाता है जब लॉबी में एंट्री मारते हो, देखते ही मजा आ जाता है. ऑब्वियसली द वेरी व्हेन यू एंटर द एंटर फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर स्टेयर्स, वो गॉड लाइक आता ना, वो नाम, दैट इज एन इमोशन टू यू नो वॉच. जब सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करते हैं, लेफ्ट में दिल से गॉड लाइक लिखा आता है, वो बेस्ट लगता है मेरे को. एक नए बंदे एंटर करेगा ना, वो बोलेगा कि लिफ्ट में नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ से जाऊंगा, देखता हूँ कि ग्राफिटीज क्या क्या बनी हुई है. वो चीज़ तो पक्का कोई भी एक नया बंदा आके देखेगा ही देखेगा. एंड नाम नाम से शुरुआत कर दी, वो यहाँ पे लगती है. जब सेकंड फ्लोर पे आते हैं स्टेयर से, उस स्टेयर क्रॉस करते पता चलता है यार हम अभी BGMI में एंटर करने वाले हैं, तो वैसा फील दिया है पूरे फ्लोर को, लाइक ऊपर से ऐसे फ्लाइट गया है, ऐसे ड्रॉप आ रहा है, जो कि एक्चुअली गेम में रहता है ना, वैसे वाला किया है. तो ऑल पे ग्राफिटीज दिया है जो कि अपना जॉनाथन ने उसका प्रॉपर एक वो जो आइडेंटिटी है उसके आउटफिट वगैरह. आपको अपना नया रूम कैसा लगता है एंड उसके बारे में बेस्ट चीज क्या है? AC वगैरह थोड़ा अपग्रेड हो गया है. बंक बेड वाला हम लोग को ना बहुत पहले से ही आदत है, तो बंक बेड्स हम लोग चाहिए, तो हमारे लिए इंडिविजुअल बेड्स भी ले सकते थे, बट ना वो बंक बेड वाली फीलिंग है ना, जब तक लात ऊपर ना मारो किसी के ऊपर वाले को ना, तो मज़ा नहीं आता. मैं पिन पुंदरी के ऊपर से लात नीचे से लात मारता रहता हूँ सोने के टाइम पे ना, ताकि नींद उसकी आराम हो थोड़ी सी. अरे ये सब नहीं डालना ये तो मैं आपको बता रहा हूँ यार. क्या आप इस नए बूट कैंप के फैसिलिटीज और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता सकते हैं? अगर आप ई-स्पोर्ट्स एथलीट हो तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा रहेगा ना, तो वो गेम में आपको बहुत फायदा देता है. एंड ये जो गेम्स है फुटबॉल एंड ये अपना टेबल टेनिस, उससे हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है एंड रिफ्लेक्स भी अच्छे हो जाते हैं. बेस्ट पार्ट ऑफ किचन इज लाइक यू नो यहाँ पे घर का खाना मिलता है, एकदम हेल्दी फूड मिलता है, एंड विच इज़ यू नो बेनिफिशियल फॉर ऑल दैट कंसिडरिंग वी ऑल आर एथलीट्स. तो डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है. ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो वहाँ पे हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है हमारा मैक्स, गॉर्डल मैक्स जो डॉग है. मैक्स माय फेवरेट, मैक्स बाऊ बाऊ. और हमारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके अगर आपने कैबिन्स देखे होंगे, उनमें हम लोगों ने साउंड प्रूफिंग भी कर ली है, क्योंकि एक दूसरे को दिक्कत ना हो अगर कोई साथ में स्ट्रीम कर रहा है, तो उस चीज के लिए वो भी चीजें करके रखी है. एक लॉक है टावर के पास. देखिए गाड़ी खड़ा है. मैं जा रही हूँ आगे, मैं बंकर. जाओ एडीएस दे रही हूँ, लैन पे क्या होता है कि सब लोग साथ में बैठ के खेलते हैं, तो मेरे को ये आदत इधर से ही लगाना है प्लेयर्स को कि तुम इधर से ही साथ बैठ के खेलोगे तो उधर जाके वो दिक्कत नहीं आएगा. मैंशन के अंदर ही जिम है, और क्या ही चाहिए आपको कि सुबह उठो जाओ, बट जो कि उठ नहीं पाता हूँ मैं, जाके बस करो देख रहो. आपके पेरेंट्स को आपके गेमिंग के बारे में इनिशियली कैसा लगता था और अभी क्या रिएक्शन होता है उनका? मैंने घर पर बोला था मीन्स आई वॉन्ट अ डिवाइस, तो मैं डैड को ऐसे ही पूछने गया कि डैड सो दिस इज़ माई रिजल्ट, कि अभी डिवाइस मिलेगा क्या? इज़ लाइक पहले ना बोला, आई वाज लाइक छोड़ो अभी क्या ही कर सकता, 90% लाना तो मिला नहीं. बट आफ्टर फ्यू वीक्स द फोन वाज इन हिज हैंड्स एंड ही केम नियर मी एंड ही टोल्ड ये लो बेटा. मेरी फैमिली क्या, जो मैं कच्छ में रहता हूँ वहाँ पे कोई ऐसा गेमिंग का कोई सीनेरियो ही नहीं था, बट मैं ऐसा सबके स्ट्रीम्स देखता था. मैं बोला यार ये चीज़ मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो थोड़ा पैसे वैसे लिए एंड पहले इंस्टाग्राम मैंने किया. इंस्टाग्राम पे 100 फॉलोअर्स हुए, घर पे दिखा ये देखो 100 लोगों ने फॉलो किया रखा है मेरे को. तो धीरे धीरे वहाँ से ही थोड़ा घर वाले भी बोले कर सकता है तू ट्राई कर, तो चालू कर दिया वहाँ से मैंने. यू नो घर वाले तो वैसे रहते हैं कि क्या यार तू पूरा दिन गेम खेलता रहता है, व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? सो जब भी मिलने लगा तभी घर वाले बोले कि ठीक है बच्चा जो कर रहा है लेट्स सी करने दो. दिमाग खराब हो जाता है गेम से, दैट्स व्हाट दे एक्चुअली पर्सनली बिलीव दैट. अभी फिर जब खासकर ये गॉड लाइक अनाउंसमेंट बूट कैंप शिफ्टिंग एंड ऑल जब हुआ, तो दे आर ऑल्सो सीइंग कि हाँ लाइक लड़की टाइम नहीं वेस्ट कर रही है अपना, कुछ कर रही है. बट पहले देवर लाइक कि पूरा नेचर खराब हो जाता है, आप गुस्सा रहते हो, यू नो गेम रेज भी होता है ना अगर घर पर जब खेलते हो. देवर लाइक ओके फाइनली यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर गोइंग टू प्लेसेज एंड या. पेरेंट्स का यू नो डेफिनेटली पहले जब शुरू किया था तो बिल्कुल भी अच्छा रिएक्शन नहीं था, पिटाई विटाई चिल्लाना यू नो इंडियन पेरेंट्स ना. अभी मैंने जब इनको दिखाया कि यू नो स्पेशली आफ्टर कमिंग टू दिस बूट कैम्प, ठीक है, तो मैंने मेरी मॉम को वीडियो कॉल किया था एंड मैंने पूरा बूट कैम्प दिखाया यू नो फैमिली, तो शी वॉज लाइक कि इतना गेमिंग से यू नो यू आर लिविंग दिस लाइफ. तो एक पैसे वाली चीज़ अलग होती है, बट यू नो दिस लाइफ यू नो वो पैसे से भी नहीं मिलती इतना. तो शी वॉज लाइक कि यू आर डूइंग समथिंग यू लव इट, तो अब तो पूरा सपोर्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं. तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो पेरेंट्स को पता ही नहीं था,
और वहाँ पे तुम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि गुज्जू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वो मानते नहीं है इतना मोबाइल और ये सब में। लेकिन जब मैंने, मेरा एक मौका आया कि मैं अचीव करने वाला हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करने WC में LA जाने का हुआ था, कोविड की वजह से नहीं जाए, तब मैंने अपने पापा को बताया कोविड में कि पापा ऐसा एक मैं करता हूँ, गेमिंग खेलता हूँ ऐसा ऐसा, और उनको क्रिकेट से थोड़ा रिलेट करके समझाया कि ऐसा पूरा है। तो गुज्जू फैमिली से, गुज्जू बाप सीधा कितना पैसा कमा लेगा, तो तब तो कुछ कमाता नहीं था, मैं बोला थोड़ा अचीव करूँगा उसके बाद होगा, ये स्ट्रगल है, तो बोले ठीक है। फिर मैंने बोला मेरे को ऐसे जाना है, तो तब तो गुस्सा थे, नहीं जाने दिया था, लेकिन मैं लड़ाई करके गया था। फिर हम जीते, 32 कंट्रीज में हम लोग नंबर वन हुए, और फिर LA जाने का था इंडिया को रिप्रेजेंट करने। तो उसके बाद मैंने पापा को फ़ोन किया था, मेरे को याद है, पापा मैं जीत गया, अब मेरे को सैलरी मिलेगी, अब सब कुछ सही रहेगा। और वहाँ पे भी हमने बहुत बड़ा प्राइस पूल था, तो मैं सीधा पापा का एक ही रिएक्शन था, कितना पैसा जीता। और मम्मी तो ऑलवेज सपोर्ट करती थी, मम्मी तो बहुत सपोर्ट करी थी, आज जो कुछ भी हो वो मम्मी की वजह से हो मैं बोलूँगा। माय डैड हैज़ नेवर सपोर्टेड मी फॉर दिस। इवन जब मैंने कमाना अच्छा खासा शुरू कर दिया था, तब भी मेरे डैड नहीं सपोर्ट करते थे, मेरे मम्मा ने इतना सपोर्ट नहीं किया था। धीरे धीरे फिर मैंने उनको ई-स्पोर्ट्स का सिनेरियो बताया, धीरे टाइम लगा, बट देन एक स्टेज आया जब उन्होंने मेरे को डिवाइस भी स्पॉन्सर किया, मेरे मम्मा ने मेरे को PC भी लेके दिया। एंड अभी मैं ये बोलती हूँ कि जहाँ पे मैं अभी हूँ सिर्फ मेरी मम्मा के सपोर्ट की वजह से हूँ। उस वक्त तो पापा यही बोले थे, मैं मुझे फॉरेन भेज रहे थे जॉब करने के लिए, तो बोलते थे यूट्यूब से कितना कमाओगे ये सब, कनाडा जाने वाले। यस, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम $2 बना था, तो मैंने पापा को बताया कि पापा 120 रुपये बना उस टाइम के हिसाब से, तो पापा बोले कितना कमा लोगे, 500। फिर वो वक्त और आज का वक्त बहुत डिफरेंस। सो ऐसा था कि मेरे डैड को BMW बहुत पसंद थी, मतलब यू कैन से इट्स हिज ड्रीम कार। एंड एक सिचुएशन ऐसा हो गया था कि घर पे मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में डैडी को पूछा कि व्हेन आर यू परचेसिंग द कार, तो डैडी ने मुझे लेकर बिठाया सोफा पे और बोला कि सन इट्स टफ, मतलब लाइक वो जो गाड़ी है मीन्स इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, आई कॉन्ट अफोर्ड इट। सो वो टाइम पर मुझे कुछ तो हो गया कि मेरे डैड ने ये कैसे बोला। सो आफ्टर फ्यू वीक्स I went to the showroom, booked it. वही कार जो चाहिए थी उनको, बट उससे थोड़ी बेटर, M Sports, मतलब अभी स्पोर्ट्स। डैड अभी चिक्स लोग को लेके घूमने वाला है। आपको क्या लगता है Godlike as a team क्या रिप्रेजेंट करती है? No competition. Godlike as a team represents the future of gaming in India. For me, it's like representing themselves internationally. एवरीथिंग, मतलब Godlike का भी जो मतलब मैंने सपना देखा था ना, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में Godlike का नाम अपने को सबसे ऊपर लेके जाना, एंड यस वो चीज़ करके ही रहेंगे हम लोग। ये तो हंस रहे। आई थिंक Godlike एज अ टीम रिप्रेजेंट्स होप, फ्यूचर इज जस्ट ड्रीम कम ट्रू। इट इज़ कमिंग अप इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो लाइक कंटेंट क्रिएशन, मर्चेंडाइज एंड एवरीथिंग, लाइक यू नो, बट Right now, prime is esports. The spirit of esports, मतलब जो है, वो है। क्या आपने अपने family और friends को एक virtual tour दिया यहाँ का? And how was their reaction? मतलब family ने first time पूजा के दिन ही देखा था, उनको भी पता नहीं था क्या बन रहा है, कितना बड़ा होगा, कुछ नहीं था। वो भी ऐसे shocked थे कि इतना बड़ा बनाया है। आप young gamers को क्या advice देंगे? Views नहीं आ रहे, 5 views आ रहे, 10 views आ रहे, 50, 500, तो वो क्या stop कर देते हैं? वो सोचते हैं कि भाई इसमें ग्रोथ नहीं है, नहीं बढ़ रहा चैनल, वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है। वो मत हो, तुमको बस रुकना नहीं है, कंटिन्यू रखना आप जो भी काम कर रहे हो, बस सिंपल। मेन आपका जो फोकस है गेमिंग, वो कभी हटना नहीं चाहिए, यही बोलूँगा। एक गोल रखो कि आपने बनना है गेमर, सिर्फ उसी पे फोकस रखो, उस पे वर्क करो, दैट्स ऑल, बाकी सब चीज़ों में मत पढ़ो, वो फोकस हटाएंगे। फर्स्टली गेट योर बेसिक्स क्लियर, विच इज़ योर एजुकेशन। आप एजुकेशन आपका एक बैकअप रहेगा, इवन दो यू वॉन्ट टू परस्यू करियर इन ई स्पोर्ट्स, यू वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट जॉनथन, बट गेट योर बेसिक दैट इज एजुकेशन क्लियर। स्टार्ट फोकसिंग ऑन यू नो फुल टाइम ग्रैंड, क्योंकि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते इतना, तो पढ़ाई से लेकर जॉब करते तो बैलेंस करो उसको, रात को आके खेलो या फिर फ्री टाइम में तो ग्रैंड करो। आप जो भी बंदों को देखते हो वो ऐसे ही ऊपर नहीं आए, उसके पीछे की आप ग्राइंड देखो, मेहनत देखो। और यंग गेमर्स है तो पढ़ाई, जॉब ये सब रहेगा,
तो वो मत छोड़ो जब तक तुम एक अच्छे से अचीव ना करो। सीन को फॉलो करो, जो भी गेम आप खेल रहे हो उसके पूरा सीन को फॉलो करो, कैसे मैचेस चल रहे हैं, कौन सी टीम टॉप पे चल रही है, क्या वो अलग कर रही है, आपका इंडिविजुअल गेम प्ले उस पर पूरा वर्क करो। गेम सेंस बढ़ाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी करना। तो स्टडी करने के लिए आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो आपको जो टॉप टीम्स कभी भी फाइट कर रही है, इंटरनेशनल पे हो गया या फिर नेशनल लेवल पे, वो सारी टीम्स को देखो कि कैसा खेल रहे हैं, क्या अलग वो कर रहे हैं। वो आप में जो अगर ईगो नहीं रहेगा ना अंदर से कि भाई जाके तोड़ना है मेरे को, तो नहीं कर पाओगे आप कुछ। गोइंग फॉरवर्ड आप इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? द टॉक्सिसिटी एंड द क्लीन एनवायरनमेंट, आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड द मोस्ट, लाइक द हैकर्स एंड ऑल, लाइक पीपल, मेनी गुड प्लेयर्स डोंट गेट द चांस टू यू नो शोकेस देमसेल्फ देयर टैलेंट जस्ट बिकॉज लाइक the hackers and all we see in Tonys, I think that can be you know improved and all. चाहे आपका बच्चा जितना अच्छा कर रहा है e-sports में, grow हो रहा है, आगे उसको money मिल रहा है, salary मिल रहा है, but लोग जो बोलते हैं आसपास के उनके बारे में, उनके काम के बारे में toxicity फैलाते हैं, लड़कियों के बारे में especially जब rape threats आते हैं just because they are doing what they want to do, still parents को फिर वो protective वाली feeling आ जाती है ना अंदर से कि नहीं हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको लाइक अंदर दबा के रख देता है फिर। क्या आपके कोई ऐसे प्लान्स हैं जो आप इस नए बूट कैंप में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे? हम नए कंटेंट क्रिएटर्स या फिर नए टीम्स जो है वो हम लोग एक्सपांड करना चाहते हैं और गॉडलाइक को। वी वांट इंक्लूसिविटी, तो हमने उस पर काम करना भी चालू कर दिया है विद अ फुल फीमेल BGMI रोस्टर्स एंड आवर गोल इज टू फॉर्म मोर फीमेल रोस्टर्स विद वेरियस गेम्स इन माइंड। ऑब्वियसली जो भी अभी लैंड टूर्नामेंट में जाएंगे हम लोग जीतेंगे ही जीतना है, दैट इज आवर एंड गोल। PC game may will be coming back for sure very soon. बहुत सारी चीज़ें सोचे हैं, मतलब अभी उस पर वर्क कर रहे हैं और वो चीज़ होगी भी, सो जस्ट वेट एंड वॉच। को सबसे ज्यादा अच्छे से कौन सा गाना रिप्रेजेंट करता है? जो हमारा एंथम है नो कॉम्पिटिशन। गॉडलाइक की जर्नी अभी बस शुरू हुई है, रास्ता लंबा जरूर है पर मंजिल ज्यादा दूर नहीं।